बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स इसमें कंटेंट होते हैं। सो गाइस इसको हम मत फेंकेंगे अभी से, तो इसको हम यूज करेंगे एज अ फेशियल। और गाइस गर्मी की आइडल फेशियल में ये भी एक इम्पॉर्टेंट फेशियल है। और हमें पता ही है फ्रूट्स की जो फेशियल होते हैं वो कितनी कॉस्टली होते हैं, कितनी महंगी होती है, तो इसलिए क्यों ना हम घर पे ही कर लेते हैं। तो इस ये फेशियल करने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स जो है ये वाटर मिलन चाहिए हमें। तो मैंने वाटर मिलन ले लिया और यहाँ पे मैं क्लिंजिंग के लिए ली हूँ ये जो छिलका हम फेंकते हैं वही। इसमें एंटीऑक्सीडेंट रहता है, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स इसमें रहता है, तो ये अच्छे से क्लीन के काम भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे क्लीनिंग कर लूँगी इस तरीके से। और इसमें बहुत ठंडक भी रहता है, बहुत कूलिंग इफेक्ट आते हैं। हमारे स्किन के अंदर जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे, ये गर्मी के समय में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी दिखती है ऑयल सेक्रेशन के कारण, तो इसको ये क्लोज कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ही कूल है। आप इसको अप्लाई इस तरीके से रैप करके देखेंगे, बहुत ही कूलिंग इफेक्ट आते हैं। तो हम आइस पे भी ऐसे थोड़ा सा रख सकते हैं, बहुत ही ठंडक मिलती है आइस को। ये लाइटनिंग और ब्राइटनिंग करने में बहुत हेल्प करता है और दाग धब्बे झुर्रियों के भी ये मिटाता है। तो मैं इसे 2 से 3 मिनट इसी तरीके से क्लीनिंग कर लूँगी। तो क्लीनिंग मेरी हो गई है, अभी नेक्स्ट स्टेप है स्क्रबिंग। तो स्क्रबिंग के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ यहाँ पे थोड़ा सा चावल की आटा और थोड़ा सा शुगर। इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा एलोवेरा जेल और मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा ये वाटरमेलन जो है इसका जूस। तो मैं ऐसे ही इसको पीस कर इसका जूस निकल लिया। तो क्लिंजिंग के बाद वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही मैं स्क्रबिंग कर लूँगी। तो चावल के आटा भी हमारे स्किन को लाइटनिंग ब्राइटनिंग करने में हेल्प करता है, दाग धब्बे को मिटाता है और शुगर हमारे डेड सेल्स को रिमूव करता है और जितनी भी डस्ट गंदगी है उसको ये क्लीन कर देते हैं पोर्स से। तो इसको भी मैं 2 से 3 मिनट स्क्रबिंग कर लूँगी। एज यू कैन सी गाइस स्क्रबिंग के बाद ही कितनी क्लीन और कितनी फ्रेश लग रही है। ये पूरा फेशियल होने के बाद इंस्टेंटली एक ग्लो आती है, एक फ्रेशनेस फील होती है। नेक्स्ट स्टेप है मसाज। तो मसाज के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा एलोवेरा जेल, आपके पास हनी है तो आप ले सकते हो, तो आज मैं यहाँ पे स्किप कर दिया क्योंकि मेरे पास अभी ख़त्म हो चुकी है। देन मैंने थोड़ा सा ऐड की वाटरमेलन की जूस, इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इससे मैं 3 से 4 मिनट तक मसाज करूँगी। तो वाटरमेलन की जूस जो ये नेचुरल टोनर भी है, तो ये एक टोनर की इफेक्ट भी लाएगी। और एलोवेरा जेल की अच्छाई तो आप लोग पता ही होगी, बहुत सारे इसकी बेनिफिट्स हैं, स्किन को टाइटनिंग कर देते हैं और पिंपल्स एक्ने जिनको होता है उनके लिए भी अच्छी होती है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होता है इनमें मौजूद। तो ये सूख जाए तो फिर से थोड़ा सा और जूस आप ले सकते हो। तो हो गई मसाज।
तो नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे फेस पैक अप्लाई करना। तो फेस पैक के लिए मैं यहाँ पे एक टीस्पून मुल्तानी मिट्टी, एक टीस्पून गेहूं का आटा जो व्हीट फ्लावर होता है वो लिया, और इसमें मैं ऐड कर दूंगी वाटरमेलन की जूस। जितना मुझे चाहिए उतना मैं इस तरीके से हाथों से प्रेस करके ही जूस को निकाल कर ऐड कर दूंगी, और इसको अच्छे से मिला के मैं अप्लाई कर लूंगी अच्छे से पूरा फेस पे। आप यहाँ पे थोड़ा सा रोज वाटर भी ले सकते हो, और हनी भी ले सकते हो। तो ये चावल का आटा जो है या फिर गेहूं का आटा, ये सब चीज जो है ऑयल को कंट्रोल करता है। गर्मी में जो हमारे एक्स्ट्रा ऑयल सिक्रेशन होता है जिसके लिए हमारे ओपन पोर्स बड़े दिखता है, यहाँ पे पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं। समर सीजन में इसलिए ये बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए। तो ये फेस पैक जो है सेंसिटिव स्किन वाले लोग भी इसको फॉलो कर सकते हो, जिनका एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो भी इसे फॉलो कर सकते हो। तो अभी मैं इसको जब तक ये सेमी ड्राई नहीं होगी तब तक इसको छोड़ दूंगी, कोई भी टाइम नहीं है। तो पहले जमाने की जो रानी महारानी और पहले जमाने के जो ट्रेडिशनल लोग थे तो उन्होंने इसी से चावल के आटा या गेहूं का आटा से ये सब चीज़ों से अपना रंग को निखारते थे। तो हम इसको डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगी महंगी फेस पैक ही हमारे रंग को निखारता है, तो घर में ही ये सस्ते में मिला हुआ चीज़ों से भी हम अच्छा सा ग्लो पा सकते हैं। और ये समर के लिए एक अच्छा एक आइडियल फेशियल है, तो आप डेफिनेटली इसको फॉलो कर सकते हो। बस देखना ही नहीं है, फॉलो भी करना है। वाटर मेलन जो है इसमें विटामिन ए रहता है और विटामिन सी रहता है, जो विटामिन सी हमारे स्किन को लाइट कर देते हैं, दग धब्बे को मिटाते हैं। ए जो है यंग रखता है स्किन को, ग्लोइंग स्किन बना देते हैं, स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इसलिए एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। अभी ये सेमी ड्राई हो गई है, अभी मैं इसको वॉश करके मिलती हूँ। तो गाइस सब देख सकते हो मैंने वॉश कर दिया फेस को, इतनी अच्छी ग्लो आई है, फ्रेशनेस। सबसे बड़ी बात है कि ये फ्रेशनेस मैं फिर कर रही हूँ, एक ताज़ा ताज़ा जो स्किन है मैं फिर कर रही हूँ। तो इसका सबसे बड़ी अच्छी बात ये है, ये मुझे बहुत अच्छा लगती है कि ये फेस बना देते हैं, कूलिंग इफेक्ट लाते हैं स्किन पे। ये फेशियल करने के बाद जो है ये बहुत ही ठंड लगती है, बहुत ही कूल कूल हो जाते हैं, और गर्मी में इसलिए बहुत ही अच्छी रहता है ये फेशियल। पोर्स भी काफ़ी हद तक ये क्लोज्ड हो जाते हैं कूलनेस की वजह से, और ये सन टैन को भी अच्छे से हटा देते हैं। ये वाटर मिलन में 90% वाटर ही रहता है, तो ये बस फेशियल नहीं, ये खाना भी बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन भी अच्छी रहता है, बॉडी भी हाइड्रेट रहता है, पानी की कमी दूर हो जाती है, तो हम खा भी सकते हैं। और इस तरीके से बाहर से भी फेस को फेशियल करके क्लीन कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। वाटर मिलन के जितना भी बेनिफिट्स है ये हम ऊपर से भी ले सकते हैं और अंदर से भी ले सकते हैं। स्किन को ख्याल रखने के लिए ना ही बस ऊपर से हम ख्याल रखेंगे, अंदर से भी हमें ख्याल रखना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी पीना है, ये सब फ्रूट्स वगैरह खाना है, और अच्छा अच्छा हेल्दी खाना भी खाना चाहिए, यानी कि दिन में एक फ्रूट्स खाना, जैसे कि वाटर मेलन हो गया, अभी मैंगो का सीजन है तो मैंगो, बनाना, ये सब अलग अलग सीजन में अलग अलग जो फ्रूट्स आते हैं उसी को हम अगर दिन में एक खाएंगे तो स्किन अंदर से ये हेल्दी होगी, ग्लोइंग होगी, और बहुत ज़्यादा पानी भी पियेंगे तो बॉडी और स्किन दोनों ही हाइड्रेट रहेगी। तो इसी तरीके से हम अंदर से भी स्किन को ख्याल रखेंगे और बाहर से भी ख्याल रखेंगे, बाहर से ना कि ये धूल मिट्टी जम के रहे और इसकी वजह से पिंपल्स आ जाए, इसको हम क्लीन रखेंगे, हेल्दी रखेंगे, और अंदर से भी इसको हेल्दी रखेंगे, तभी हमारी स्किन जो है प्रॉपरली अच्छी होगी। और एक ही चीज़ करेंगे अदरवाइज बाकी के हम जो
चीज़ें इसको हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी स्किन अच्छी नहीं रहेगी। दोनों तरफ से स्किन को ख्याल रखनी चाहिए। और जितने भी फेसियल्स वगैरह होता है ना, इससे क्लीन हो जाते हैं, ये लाइट हो जाते हैं, स्किन दग धब्बे मिटता है और ग्लोइंग होता है और ज़्यादा दिन तक ये यंग रहता है। लेकिन ये नहीं कि काले रंग ये गोरे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपकी जो भी स्किन टोन हो वही लाइट हो जाएगी, ग्लोइंग हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी, वो दिखने में ब्राइट लगेगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन यही हमारे लिए काफ़ी है। तो ऐसा नहीं कि हमारी स्किन शेड ही बदल जाएगी, लेकिन जैसी भी रहेगी वो हेल्दी रहेगी। हम कोई भी गोरे होने के लिए ये सब नहीं करते हैं, हम स्किन को अच्छा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, थोड़ा बहुत लाइटनिंग करने के लिए और दाग धब्बे को मिटाने के लिए हम स्किन को इस तरीके से ख्याल रखते हैं फेसियल वगैरह करके। तो गाइस, जिनका जो भी स्किन टोन हो, सभी स्किन टोन अच्छा ही होता है, कोई भी टोन जो ये बुरा नहीं है, हर स्किन टोन अच्छा होता है, हर स्किन टोन ही ब्यूटीफुल होता है, ये ध्यान में रखना चाहिए। स्किन को ख्याल रखना चाहिए, ये सब चाहिए। पिगमेंटेशन आने के पहले ही हम ख्याल रखेंगे तो कुछ नहीं होगी। तो इसलिए ये सब हमें करते जाना है, जो होम रेमेडी है मैं जो दिखाती हूँ वो फॉलो करना है। बस अब देखेंगे और ऐसे ही रखेंगे। दो तीन दिन कर किया और बस हो गया। दो तीन दिन के बाद तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तब तो आप सोचेंगे कि कुछ फ़ायदा नहीं होता है, ये सब कोई काम नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, आप पैशन रख के इसको करते जाएंगे। हम अगर आज पानी पी लिया तो कल पानी नहीं पियेंगे, जरूर पियेंगे। आज नहाया तो कल भी नहाना पड़ता है ना, उसी तरीके से हम ख्याल भी, स्किन को ख्याल भी रोज ही डेली रूटीन में इसको आदत डालना पड़ता है। इसको हम करते जाएंगे, ऐसा नहीं कि दो दिन किया इसके बाद रिजल्ट नहीं आया तो हम छोड़ देंगे। इसको धीरे धीरे करते जाएंगे और धीरे धीरे हमारी स्किन जो है ग्लोइंग होते रहेगा और इसका अच्छी रिजल्ट मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो आप जरूर एक बार ट्राई करके देखिए और इसका रिजल्ट आपको कैसे लगी है मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में आकर। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नए जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।